हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बाबा। आई एम ओम राउत, योर फिजिक्स फैकल्टी। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि अपन एक नई सीरीज दैट इज़ बाबा सीरीज लॉन्च करने वाले थे, और जहां पे अपन एडवांस लेवल तक डिस्कशन करने वाले थे फ्रॉम बेसिक। तो ऐसा ही बेसिक से शुरू होकर अपन एडवांस लेवल तक आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि क्या है ना, वीडियो अगर आप पुरानी देखेंगे तो आगे की चीज़ें मिस आउट हो सकती है। तो अगर आपको फिजिक्स समझना है तो पूरी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आपने एक भी चीज़ मिस आउट कर दी तो वो वाली चीज़ आपको कहाँ पे काम में आएगी आप बता नहीं सकते। इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। सो आज शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे कि ये टॉपिक आपको भली बातें जानते होंगे, किसमें आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की जाए और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर बाद में जाएंगे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इट इज एन हाइपोथेटिकल लाइन। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी लाइन, अपन ने कंसिडर की हुई है। जैसे कि आप जानते हो, कोई भी चार्ज जब फोर्स डेवलप करता है तो किसी और, अगर मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ पे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इसको रिपेल करता है। ऐसा तो नहीं है इस पॉजिटिव चार्ज ने ऐसे है ना किक मारी और इसको ढकेल दिया, नहीं ना, वो अपने को दिखता नहीं है। सो अपन आंखों से नहीं देख सकते लेकिन फील कर सकते हैं, जैसे कि हवा है ना, आंखों से नहीं देख सकते लेकिन फील कर सकते हैं। तो वैसा ये फोर्स रहता है। अब फोर्स किस वजह से रहता है? इस फोर्स ने कुछ ना कुछ जनरेट किया होगा, इसी वजह से ये जो चार्ज है वो रिपेल हो गया होगा। तो ये जो चार्ज है वो क्या जनरेट कर रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ही ये फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जानना इम्पॉर्टेंट है। सो अगर मैं यहाँ पे चार्ज ले लूँ और दूसरा एक चार्ज ले लूँ, तो ये चार्ज क्या जनरेट करता है? एक इमेजिनरी लाइंस जनरेट करता है चारों तरफ, जिसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो दिखती नहीं है लेकिन होती है, जैसे कि हवा। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ये जो चार्ज है इसको क्या करता है, पुश करता है, यस और नो, और इसी वजह से फोर्स लगता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करती क्या है? फोर्स लगाती है, और फोर्स लगाती है मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी की टर्म आई होगी वहां पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरी क्या करती है? एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको याद रखना होगा, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरीज व्हाट? एनर्जी। वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरीज एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब स्ट्रेंथ, है ना। जैसे कि मान लेते हैं, अगर मैं कोई चार्ज ले लो, कोई भी चार्ज, अगर इन्फाइनाइट शीट है तो इन्फाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है वो ऐसी पैरेलल आती है, क्योंकि वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है। आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल लाइंस है जो एनर्जी कैरी करती है। अब इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर अपने को पढ़ना है तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भाई मोटर्स रहती है, मोटर्स में क्या रहती है, मोटर्स किस पे वर्क करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करती है? एनर्जी। और जब एनर्जी जनरेट करती है तो उसी वजह से मोटर जो है अपना पावर जनरेट करती है, और उस पावर की वजह से चीज़ें यहाँ से वहाँ क्या होती है, मूव होती है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में पानी भरने के लिए मोटर होगी, अगर ऊपर पानी नहीं जाता होगा तो उस मोटर के अंदर क्या रहता है, एक ड्रम रहता है, उसके ऊपर कॉइल्स रहती है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उसकी वजह से पानी ऊपर चला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है मतलब क्या जनरेट कर रहा है, इन शॉर्ट एनर्जी जनरेट कर रहा है। आपके कार में अल्टरनेटर रहता है, जिसको आप दूसरे लैंग्वेज में डायनामो भी कह सकते हैं। अल्टरनेटर करता क्या है, किसी भी बैटरी को फिर से चार्ज करता है, यस और नो। तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनडायरेक्टली क्या देता है, एनर्जी वो देता है। अगर मान लेते हैं किसी रीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है, किसी रीजन से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, पर सपोज ये एक रीजन है,
ठीक है, इसमें से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, बहुत ज़्यादा, तो इससे इसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। और वही अगर किसी रीजन से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ से एनर्जी कम पास हो रही है। और एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ ही गए, डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एनर्जी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा और यहाँ पे एनर्जी कम है तो इसका असर क्या गिरेगा, इसका असर ये करेगा कि वो पावर कम जनरेट करेगा, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम मतलब यहाँ पे एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब पावर कम जनरेट करेगा, राइट। तो आगे तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गए होंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करने वाला कुछ ना कुछ ऐसा टर्म होगा जो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेजर करता है। इनडायरेक्टली क्या मेजर करता है, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब एनर्जी मेजर करता है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, ये तो बात आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स मतलब भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी जनरेट हो रही है। अगर किसी में से ज्यादा फील्ड लाइन जा रही है मतलब फ्लक्स ज्यादा है, किसी में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम जा रही है मतलब फ्लक्स कम है। नंबर नंबर आ रहा है, नंबर मतलब क्या, क्वांटिटी, और क्वांटिटी मतलब क्या, विच क्वांटिटी, किसी भी चीज़ को जब कितना, कितना मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब ये खाली नंबर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो इस नंबर को मेजर कैसे करेंगे यही अपन देखने वाला है। अब किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी, जस्ट वेट मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आपको। कितनी फील्ड लाइंस जाएगी, सपोज यहाँ पे मैं अगर एक छोटा सा एरिया ले लूँ, ठीक है, यहाँ से मान लेते कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अगर देखा जाए इस पूरे सर्फेसेस में से ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस जा रही थी, राइट। भाई कुछ फील्ड लाइंस ऐसी भी थी जो इस एरिया से नहीं जा रही थी, मान लेते हैं, यस और नो। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस एरिया को बढ़ा देता हूँ, मान लेते मैंने एरिया बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ जो फील्ड लाइन जा भी नहीं रही थी अभी वो भी जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो जो इस एरिया को क्रॉस कर रही है वो क्या अभी बढ़ गई। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई मतलब इनडायरेक्टली क्या बढ़ा, फ्लक्स। और फ्लक्स जो है ना बेटा वो फाइ से इंडिकेट किया जाता है, ऐसा गोल रहता है और गोल को एक सीधी लाइन खींच दो थी, इसको बोलते हैं फाइ, ओके। इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर मैं एरिया बढ़ाऊ, अगर मैं एरिया बढ़ाऊ, सो ए टू वॉज ग्रेटर देन ए वन, तो एरिया अगर मैं बढ़ाऊ तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं अगर और बड़ा एरिया ले लूँ तो और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, यस और नो। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कहता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं एयर है, एयर फ्लो हो रही है, ठीक है, आपका एक बॉडी है तो आपको एयर लग रही है, और साथ में बाजू में आपके ट्रक खड़ा है। अब एयर किसको ज़्यादा छू के आगे बढ़ेगी, ट्रक को, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा पॉइंट्स पे वो क्या करेगी, उसको टच करेगी। तो उस एयर की जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसिडर कीजिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये अगर ए वन एरिया ले लो और ये अगर ए टू एरिया ले लो, तो किस एरिया को ज़्यादा क्रॉस कर रही है, जिसका एरिया ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा क्रॉस करेगी, इतनी सिंपल सी बात है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने एरिया से आ रही है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और दूसरा लॉजिक तो बड़ा ही आसान है, अगर मान लेते मैं एरिया अगर सेम भी ले लूँ, ठीक है, मैं अगर एरिया सेम भी ले लूँ, सपोज यहाँ पे दोनों सेम एरियाज लेते हैं अपन, मान लेते हैं दो सेम एरियाज है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, जस्ट वेट, अरे यार कट नहीं हो रहा है, ठीक है, दो सेम एरियाज अगर मैंने ले ली, तो यहां पे अगर देखोगे, मान लेते इस एरिया में से फील्ड लाइन जा रही थी दो तीन, मान लेते हैं उस एरिया में से सेकंड एरिया जो सेम मैग्नीट्यूड का था, इसमें से फील्ड लाइन जा रही है ढेर सारी, तो ऑब्वियसली बात है कहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी। सर आप बोलोगे सर इसमें क्या लॉजिक है,
जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा रहेगी वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और एनर्जी ज़्यादा रहेगी मतलब वहाँ से क्या ज़्यादा रहेगा, फ्लक्स ज़्यादा रहेगा, राइट right? मतलब कितना फ्लक्स रहेगा वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ से इंडिकेट की जाती है, ई. सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ई वन एंड ई टू, सो आई कैन से ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, इवन दो एरिया इज सेम, दोनों का एरिया सेम है, लेकिन सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, ई टू, ई टू इज ग्रेटर देन ई वन, तो ई टू इज ग्रेटर देन ई वन मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहाँ की ज़्यादा है, वही यहाँ की नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या है, कम है, इसलिए फ्लक्स किसका ज्यादा रहेगा, फाइ टू विल बी ग्रेटर देन फाइ वन. तो यहाँ पे दो चीजें अपन समझे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो दो बात पे डिपेंड कर रही है, कौन कौन से, सबसे पहले तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, और दूसरा साथ साथ में नोट्स भी बनाया कीजिए आप, ठीक है, और दूसरा कौन सी बात पे डिपेंड कर रही है, यस वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस बात से आप बता पाओगे कि भाई फ्लक्स कितना है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा रहेगा, एरिया ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा रहेगा. लेकिन क्या यही दो बातें इंपॉर्टेंट है? जैसे कि मान लेते हैं मैंने अगर बोल दिया भाई एक रिंग है ना, एक रिंग लेता हूं मैं, और इस रिंग में से मान लेते हैं हवा फ्लो हो रही है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इतनी अमाउंट ऑफ ये जो रिंग का एरिया रहेगा वहां से हवा आएगी, राइट. आप हवा मतलब आप इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब मैं क्या करता हूँ ना, इस रिंग को थोड़ा तिरछा कर देता हूँ. अब मुझे बताओ लॉजिकली जितनी हवा पहले जा रही थी अब उतनी जाएगी क्या, ठीक है. जैसे कि मान लेते मैंने यहाँ पे एक ऐसी पहले ऐसी वर्टिकल रिंग रखी, ठीक है, अब हवा ऐसी जा रही थी, मान लेते हवा है, इसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझिए. अब मैंने इस रिंग को क्या कर दिया ना, थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर दिया. अब टेढ़ा करने के बाद जो ऊपर वाली और नीचे वाली जो दो लाइंस है इसको अभी मिस आउट कर देगी, यस और नो. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको और थोड़ा टिल्ट कर दूं, और थोड़ा टिल्ट कर दूं, तो अभी तो बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेगी. इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि भाई खाली एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड से काम नहीं चलेगा, मैं एरिया कितना टिल्ट कर रहा हूँ और आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में कितने का एंगल है, उस बात पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी. मतलब यहाँ पे कंसेप्ट आ गया एरिया का. सो व्हाट इज एरिया, इस एरिया के बारे में थोड़ा देखते हैं. एक बात तो समझ गए, अगर एरिया सीधा रहेगा मतलब ये रिंग अगर ऐसी रहेगी और ऐसी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस होगी. लेकिन अगर ये एरिया ऐसा रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसी रहेगी, मान लेते हैं मैंने पूरा हॉरिजॉन्टल रख दिया इस एरिया को, तो अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस नहीं होगी, नहीं होगी मतलब फ्लक्स कितना है, जीरो. इसका मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितने का एंगल है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई फ्लक्स कितना रहेगा, ठीक है. तो अभी अपन देखने वाले हैं, मेरे को डस्टर की आदत है ना, इसलिए यहाँ हुआ मैं डस्टर ढूंढता हूँ, लेकिन ठीक है ओके. अब देखिए तो एरिया की बात करते हैं, तो मुझे बताइए व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. नॉर्मली क्लास में बच्चों को पूछता हूँ ये क्वेश्चन, तो हर साल बच्चे गलत जवाब देते हैं ज़्यादातर, और बोल देते हैं भाई एरिया क्या है सर, एरिया तो अपना ऐसे ही मेजर कर लेते हैं, सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया, ए इंटू बी, तो ये तो सर स्केलर क्वांटिटी ही होगी. लेकिन नहीं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एरिया इज वॉट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हमेशा याद रखिएगा, याद रहेगा, हाँ याद रखना ही, ओके हाँ. तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन आ गई, ठीक है, अपन देखेंगे. अब वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे. अब एरिया जो है ना दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, एरिया दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो ओपन सरफेस हो सकता है, ओपन सरफेस मतलब कैसे, जैसे कि डिस्क हो गया और रिंग हो गया, प्लेनर एरियाज, राइट. या फिर क्लोज सरफेस हो सकते हैं, क्लोज सरफेस मतलब क्यूब हो गया, राइट, या फिर
स्पीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो मतलब दो टाइप के सर्फेसेस रहते हैं, एक रहता है ओपन सर्फेस और एक रहता है क्लोज सर्फेस। तो सर ओपन सर्फेस के लिए है ना, जैसे कि मैं अगर ओपन सर्फेस ले लूँ यहाँ पे, है ना, स्क्वायर ले लूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा ऐसा, स्क्वायर ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, ये है मान लेते हैं स्क्वायर ओपन सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक क्लोज सरफेस लेता हूँ, जैसे कि ये हो गया क्लोज सरफेस, ये है क्यूब अपना, ठीक है। तो इसके लिए एरिया कैसे बताओगे, जैसे कि मैं अगर ओपन सरफेस ले लूँ तो यहाँ पे जो एरिया की वैल्यू रहेगी, जब कभी भी ओपन सरफेस लेंगे तो यहाँ पे क्या करो ना, आप ऐसा 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 परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आइदर साइड, मतलब एक तो ऊपर या फिर नीचे, इस एरिया की डायरेक्शन रहेगी। मैं और की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो और पूरे प्रॉब्लम के लिए वही डायरेक्शन कंसिडर करो, राइट। जैसे कि मान लेते ये प्लेनर सर्फेस है, तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद तो परपेंडिकुलर पूरा ऐसा क्रॉस हो जाएगा, तो ऊपर वाला एरिया लो या फिर नीचे वाला एरिया लो, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो और उसको पूरे प्रॉब्लम के लिए कंटिन्यू करो। डिड यू गेट माय पॉइंट, राइट। अब मैं ले रहा हूं क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस की अगर बात की जाए तो क्लोज सरफेस के लिए क्या करना है, इसमें तो ज्यादा झंझट ही नहीं है। इस क्लोज सरफेस के अवे आपको एरिया की डायरेक्शन लेनी है। कैसी लेनी है, अवे मतलब अंदर की तरफ नहीं लेनी है, जो यहां पर क्लोज सर्फेस है ना, अंदर की तरफ नहीं लेनी है, कहां लेनी है, अवे। समझे कि नहीं, आई होप आप क्लिक हो गया होगा आपको। और एक दूसरे शेप लेते हैं अपन, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैं अगर स्पीयर ले लूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं स्पीयर ले लूँ तो स्पीयर के लिए क्या रहेगा, स्पीयर के लिए जो सरफेसेस डायरेक्शंस रहेंगे वो अवे रहेंगे यहाँ से, क्योंकि ये कौन सा सरफेस है, क्लोज है कि ओपन है बच्चों, इट इज एन ओपन सरफेस। आई होप आपको आइडिया आ गई होंगी। जैसे कि मैं अगर बोलूँ यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेता हूँ, है ना, सिलेंडर ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो ये है सिलेंडर, मस्त। तो इस सिलेंडर के लिए जो डायरेक्शन ऑफ एरिया रहेगी वो कैसी रहेगी, अवे, आपकी तरफ भी रहेगी, ये समझ में आ रहा है, ऐसे चारों तरफ रहेगी, पीछे भी रहेगी, है ना। तो क्लोज सरफेस है सिलेंडर, तो हमेशा याद रखना ओपन सर्फेसिस के लिए क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और आइदर साइड रहेगी एरिया की डायरेक्शन, और क्लोज सर्फेस के लिए अवे रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आते हैं असल में। तो यहां से अपन ने जो फ्लक्स देखा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले बताओ, क्या बताया था मैंने, वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई, जस्ट वेट, कि एरिया कितना है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ रही है लेकिन साथ में किस पे डिपेंड करेगा, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, तो इन तीनों चीजें पे डिपेंड करेगा, राइट। और जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहे, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा मैं कोई भी एक सरफेस ले लेता हूँ और मान लेते हैं ऐसी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है, अगर ऐसी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है तो यहाँ से मैं अगर एक छोटा सा एरिया ले लूँ, ये वाला एक छोटा सा एरिया ले लूँ, तो यहाँ पे अगर देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं क्या करूँगा ना, एक छोटा सा एक मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ पे एरिया वेक्टर, जैसे कि ओपन सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं डी ए है, ठीक है। तो आपको एक बात तो पता चल गया होगा, एंगल है और फ्लक्स इज विच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और जैसे ही स्केलर क्वांटिटी आए तो आपकी किसकी फीलिंग आनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट स्केलर रहता है, डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट रहता है स्केलर, मतलब क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल एरिया ए आ रहा है और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, बिकॉज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी।
और मुझे पूरे सरफेस के लिए निकालना है, छोटे सरफेस के लिए तो ये रहेगा, पूरे सरफेस के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, साप लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, साप। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट फ्लक्स। तो ये आ गया एक जनरलाइज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इट इज विच क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। और आपको अगर कोई भी दिक्कत है इसमें से, हल्की सी भी दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो अपन अगले लेक्चर में देखने वाले। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज का सैटरडे है और अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बताइए, मैं डेफिनेटली जैसे ही टाइम मिलेगा आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगा। और ये बच्चों के लिए शुरू की है सीरीज़, तो मैं चाहता हूँ भाई आपके जैसे जैसे आपको फ़ायदा हुआ बाकी बच्चों को भी हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आपकी ही हेल्प से मैं ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने ये सब शुरू किया हुआ है। आई होप आप सपोर्ट करेंगे। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, फ्लक्स के ऊपर के प्रॉब्लम्स एडवांस लेवल तक जाएंगे। थैंक यू।